इस बार बरसात के मौसम में अंबाला में बाढ़ ना आए, इसके लिए सरकार ने पूरी कमर कस ली है। इसके लिए जहां प्रशासनिक अधिकारी युद्ध स्तर पर नालों की सफाई करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला के उपायुक्त सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों सहित अंबाला के सभी मुख्य नालों का दौरा किया, साथ ही टांगरी नदी का भी दौरा किया। इस बीच अनिल विज ने कई जगह नाली में गाद भरी हुई देखी, जिसके लिए विज ने मौके पर फटकार भी लगाई और साथ ही उन्हें जल्द ही साफ सफाई करने के निर्देश दिए। ड्रेनेज विभाग है, म्युनिसिपल कमेटी है, पब्लिक हेल्थ है, पीडब्ल्यूडी है, सारे युद्ध स्तर पर ये काम करना उन्होंने आरंभ कर दिया है। और हमारा प्रयास ये है कि जो पानी है वो लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान ना करे और अपनी सीमा में रहे। उसके लिए आज हमने सारे पॉइंट देखे, आज हमने गुड़गुड़िया नाला देखा है, मिशनगर ड्रेन देखी है, बीडी फ्लोर मिल के पीछे का नाला देखा है, सुभाष पार्क से जो नाला जा रहा है उसको भी देखा है, और ये जो टांगरी है, टांगरी जो आ रही है इसको भी देखा है। और इसको हमने कहा है भाई इसको मशीन ने चलाकर इसको गहरा कर दिया जाए और उसकी मिट्टी निकाल के साइडों पे डाल दी जाए। अभी तो क्योंकि अब जल्दी है बरसातें, अभी तो यही काम हो सकता है। आगे फिर हमने इसकी प्लान बना रखी है, अगर लोग राजी होंगे, क्योंकि कई जगह पे हमें लोगों की ज़मीन की ज़रूरत भी पड़ती है, तो इसमें जो बांध बनेंगे उसमें हम स्टोन पिचिंग करा के देंगे। वो हमारा ऑलरेडी प्रपोज्ड है, वो हम करके देंगे और कोशिश यही है कि बाढ़ से कोई नुकसान ना हो। सर, टांगरी पुल के नीचे अतिक्रमण है और वहाँ पानी निकासी का कोई प्रबंध? सिर्फ दो ही? नहीं, किसी प्रकार का किसी को पानी की रवानगी में बाधा नहीं डालनी चाहिए। सर, और क्या क्या आदेश दिए गए अधिकारियों को आज? सारे नाले साफ होने चाहिए, सारे जो पाइप डाले गए हैं पानी निकालने से वो होने चाहिए, महेशनगर ड्रेन होनी चाहिए। और महेशनगर ड्रेन उसका हमने IIT रुड़की से हमने डिज़ाइन करवाया था, उस डिज़ाइन के हिसाब से जहाँ से ये महेशनगर